सो हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉलम कास्ट करने और कॉलम कास्ट करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कॉलम कास्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारा फर्मा वर्क चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो स्टील के नीचे यहाँ पे स्टार्टर भरा हुआ है, ये जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये स्टार्टर है और फर्मा इसी के साथ अटैच किया जाता ताकि फर्मे अगर कास्टिंग करते समय फर्मे की मूवमेंट ना हो। और फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे कॉलम कास्ट हो चुके हैं उन पे हम क्यूरिंग टाट लपेट रहे हैं, और क्यूरिंग टाट लपेटने के बाद इसकी क्यूरिंग की जाएगी ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि कॉलम कास्ट होने के बाद कि इसको क्यूरिंग अच्छी से अच्छी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरिंग की जाए, और गर्मी हो तो इसलिए क्यूरिंग टाट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कॉलम कास्ट करना शुरू कर दिया है और हम यहाँ पे एक राउंड कॉलम कास्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, कॉलम कास्ट करते समय आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास वाइब्रेटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेटर से कंक्रीट अच्छी तरह कॉम्पैक्ट हो जाती है और इसमें जितने भी वॉइड्स होते हैं वो सारे फिल हो जाते हैं, जिससे कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है और जिससे ये अपना वेट कैरी कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कॉलम के ऊपर काफ़ी वेट आता है। तो इसीलिए आपके पास वाइब्रेटर बहुत ज़रूरी है और कास्टिंग के तुरंत बाद आप इसको अच्छी तरह क्यूरिंग कीजिए, क्यूरिंग टाट का यूज़ कर सकते हैं और गनी बैग्स भी होते हैं जिसका यूज़ काफ़ी जगह पर किया जाता है। और ये हमारा फर्मा अभी लगी रहा है, इसको भी हम कास्ट करेंगे। और इसलिए तो फ्रेंड्स, कॉलम में वाइब्रेटर मारने से पहले एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि फर्मा कम से कम आधा या आधे से ज़्यादा भर चुका हो। इससे क्या है कि अगर हम वाइब्रेटर मारते हैं तो उसकी स्लरी बाहर नहीं आती, जिससे कॉलम की मजबूती और सीमेंट बाहर नहीं आता और हमारी कॉलम की मजबूती बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी थैंक्स कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना तक, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।